पर शिमला यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज है 20 तारीख और अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और अभी हम निकलेंगे घर से बाहर थोड़ी देर में। ये धोने भी है और कपड़े धोए थे आके, वो अभी तक मशीन में पड़े हैं, सुखाए नहीं है, वो भी सुखाने हैं। गाइस कपड़े सुखा दिए हैं और ये है बाहर का व्यू, बढ़िया धूप निकली हुई है। अभी जाते हैं बाहर पराठे खाने। मैं तो नहा लिया हूँ, पता नहीं शिमला में टी शर्ट पहनने वाले डेज कब वापस आएंगे। जैकेट पहन लेता हूँ वापस और चलते हैं यहाँ से। बाइक की हालत बहुत बेकार है और चलो साफ कर दे, थोड़ा साफ तो नहीं होगी, धुआनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें पराठा खाने की जगह ढूंढनी है। हमने ब्रेकफास्ट अभी तक किया नहीं है और सुबह के 11:30 हो रखे हैं। अभी देखते हैं कोई अच्छी सी जगह मिल जाए घूमने के लिए और पराठा खाने के लिए। और पराठे खाने जा रहा हूँ। गाइस पराठा आ गया, बटर आ गया। भाई दही और दियो, दही और देना, दही दो। तो गाइस पराठे खा लिए हैं, अब हम जा रहे हैं यहाँ से। जहाँ करना हो दोबारा फिर स्टॉप करना। गाइस अभी मैं मिल के आया हूँ एक अंकल से जो हमारे गांव से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और कुछ सामान लेके आए थे घर से मेरे, जो रह गया था, मेरी ईयरफोन्स रह गई थी घर पे, वो मैंने दे दिए। और अब हम चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। फाइनली हमारा डिसाइड हो गया है, तारा देवी जाना है और हम चल पड़े हैं तारा देवी वाले रास्ते में। गाइस यहाँ पे देखो कितना अच्छा बनाया हुआ है, ये लगा लो पास ही है, दो पहाड़ आपस में मिल रहे हैं यहाँ पे और इन लोगों ने यहाँ बीच में पार्क बनाया है। अब इस पार्क में कोई भी आके बैठ सकता है और कितना अच्छा सीन है। इधर से गाड़ी आती है उस पहाड़ पे चल रही थी जो, और क्रॉस करके इस पहाड़ पे चलती है। फिर ये तारा देवी वाला पहाड़ है, ये शिमला वाला, और इधर ये गंदा नाला लग रहा है मेरे को। देखो HPPWD ने बनाया ये ब्रिज पार्क। चल बहुत बढ़िया। सफर स्टार्ट करते हैं आगे, बैठ गया चले।
गाइस अब मेन तारा देवी की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। आगे और अब गाइस आज हमारा प्लान था ताता पानी जाने का, फिर बना तारा देवी आने का, फिर प्लान कैंसिल हुआ और फाइनली हम तारा देवी आ गए। यहाँ आने के लिए बड़ा अच्छा प्यारा रास्ता है ये पंथा घाटी वाला रास्ता, इतना अच्छा है ना, आप इतने ट्विस्टी हैं बाइक चलाने में तो मज़ा आ जाता है। बाइक पे बैठे बैठे तेरे को वॉशरूम याद आ गया, ज़्यादा तेज चल रही थी ना, बस काफ़ी टाइम हो गया था। अच्छा मेरे को लगा बाइक पे बैठे बैठे आ गया, ऐसा नहीं था ना, फिर ठीक है चलो चलते हैं ऊपर मंदिर में। इस वाले मंदिर में मैं काफ़ी बार आया हूँ ना, इधर शूज़ रखते हैं लोगों ने, बाहर रखे हैं अंदर भी रख सकते हैं। तो ये व्यू देखो, पीछे तारा देवी मंदिर है, पीछे एक और मंदिर है। 2018 में मैं पहली बार इस मंदिर में आया था और तब भी मैं इसी स्पॉट पे बैठा हुआ था, लगभग इसी के आसपास, और उस टाइम पे हम चार दोस्त थे जो एक साथ जॉब लगे थे शिमला में, उसमें से अब दो की और कहीं जॉब लग गई है, दो बचे हैं और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं दोबारा इन जगह पर आके। हो सकता है 2-3 महीने में शिमला से मेरे भी ट्रांसफ़र हो जाए, मैं भी दिल्ली चला जाऊं, यू नेवर नो लाइफ में आगे क्या क्या होने वाला है। पहले इस मंदिर में हर संडे को भंडारा होता था और पता नहीं आज चल रहा है नहीं चल रहा, आज भी संडे ही है और यहाँ से पूरा शिमला भी दिखाई देता है। मैं दिखाता हूँ एक मिनट, देखो सामने वाली पहाड़ियों पर शिमला बसा हुआ है पूरा, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा, पर शिमला यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इस साइड इतनी तेज़ धूप है और एकदम चिल्ड हवा चल रही है और नीचे परछाइयों में अभी भी बर्फ बची है। इधर वही तेरे को पता है, इधर जब हम नीचे जाते हैं ना पैदल पैदल ट्रैक वाले रास्ते में, तो एक शिव मंदिर आते हैं नीचे बड़ी इंटरेस्टिंग जगह में जंगल के बीच में, मैं पापा आए थे तब लेके गया था उनको, अभी तो बाइक पे हैं तो हम रोड वाले रास्ते से ही जाएंगे तो शिव मंदिर तो पहुंच नहीं पाएंगे। पीछे एक काली माता का मंदिर भी है, वहाँ भी नहीं जा रहे हैं आज, अगली बार जाएंगे वहाँ पे, और आज इसको घर भी जाना है वापस से, 3 दिन की ट्रिप थी इसकी, कंप्लीट हो गई है और इसको लेके चलते हैं घर, दोपहर के लंच करवाते हैं और शाम को इसको बस में बैठा के भेज देंगे। अभी हम जा रहे हैं पीछे की तरफ, पीछे एक और मंदिर है, सोचा इतनी दूर आए हैं तो इसको पीछे वाला मंदिर भी दिखा देते हैं, फिर पता नहीं शिमला कब आएगा और यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, दिखाई देने लगा है देखो वो रहा। अब यहाँ से वापस चल पड़े हैं, वैसे तो पराठा हमने लेट ही खाया था 11 बजे, पर अब फिर से भूख लगने लगी है मेरे को, तो हवा बहुत अच्छी चली हुई है यहाँ पे यार, यहाँ पे घंटी भी कवर कर रखी है कोरोना के बाद, देखो कोई हाथ ना लगाए, बिना घंटी के मंदिर का वो नहीं बनता कि मंदिर में आए, घंटी बजती रहनी चाहिए मंदिर में, कोरोना जा चुका है अब। कौन से वाले लेके आया? लीची। चल ठीक है, कल भी लीची पिया था, लीची अच्छा था टेस्ट, हाँ टेस्ट तो अच्छा है। चल
रुके एक मिनट। ओके गाइस, मंदिर से निकल लिए हैं। गाइस नीचे जा रहे हैं, रास्ता बड़ा ही सुंदर है। आज हेलमेट उतारा है, बस घर पे पहुँचे हैं, बाल भी सही नहीं किए हैं। और गाइस तारा देवी घूम के आए, बड़े मज़ा आया। सबसे मेन तो रास्ता बहुत अच्छा था, वो ट्विस्टेज थे और ट्रैफिक नहीं था वहाँ पे, तो मज़ा आ गया नई बाइक को चलाने में वहाँ पे। जब से हम बाहर से आए ना, तब से पंकज यहीं पे बैठ के इंस्टा चला रहा है और हीटर सेक रहा है। भाई क्या है ये, क्या सीन है तेरा ये? नहीं यार बस अब नहीं, परेशान नहीं आया, लेकिन जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। गाइस मैंने तो एक बहुत अच्छी नैप ली अभी, और इसकी बस है, इसको बस स्टैंड छोड़ के आ रहा हूँ। बाय बोलो इसको। बाय। अभी हम जा रहे हैं डिनर करने, और फिर उसके बाद इसकी बस जाएगी। वैसे ISBT की बस ही गई, देख ISBT की बस ही है, बाइक पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से बस में बैठ के जाता। पर अब तू खाना खा और फिर आराम से जाइए, कोई नहीं, मैं छोड़ के आऊँगा भाई को। कढ़ाई चाप एंड बटर रोटीज मेरे पास में, मेरे को ज़्यादा खास नहीं लगी सोया चाप। हाँ मुझे भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, प्याज ज़्यादा गिर रखी थी, सोया चाप बहुत कम थी उसमें, और टेस्ट भी कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ आया नहीं मेरे को। चलो ओके ब्रो चलते हैं। क्या चाहिए? कैश। ओके क्या ऑन कर रखी है वीडियो? चल मैं गूगल पे कर दूँ। गूगल पे कर दिया, नो प्रॉब्लम। गाइस चलते हैं वापस, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, बस इसके 10 बजे और अभी बजे 9 भी नहीं बजे, एक घंटा आराम से वेट करना है यहाँ पे। तो ठीक है ब्रो, ठीक है बैठ जा अंदर। गाइस पंकज को तो छोड़ दिया ना, पर हाथ सुन हो गया मेरे, ग्लव्स नहीं है मेरे पास, ग्लव्स खरीदने हैं। सबसे पहले हीटर ऑन किया मैंने, हाथ गर्म कर लेता हूँ, सुन हो गए हैं हाथ। अभी रात के बजे हैं 11 और व्लॉग एडिट हो गया है, और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। दोस्तों इस व्लॉग को शेयर करें, और फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स को बोले सब्सक्राइब करें, और अपनी स्पोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू।